ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर से हमें बाहर निकाल दीजिए सर। ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल दिए? बाहर निकाल दिए सर। पैसे के लिए सर। हम बोले कि सर अब हमारा जुगाड़ नहीं है, जो हम कर्जा गुलाम करके हमें इतना जुगाड़ कर दिए, अब हमारे पास जुगाड़ नहीं है कि हम करेंगे। तो ऑपरेशन थिएटर से निकाल दिए। बोल रहे कि सोमवार को होगा, पैसा जुगाड़ करके लाओ तभी अब होगा, अब नहीं होगा। बलिया जिला अस्पताल के हड्डी वार्ड में बेड नंबर 11 पर पड़े इस मरीज को जरा गौर से देखिए। गरीबी के चलते महंगे अस्पताल में इलाज नहीं करा सकते, सो सरकारी में भर्ती हो गए। मगर मुसीबतें यहाँ भी कम नहीं। ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने 25,000 रुपए मांगे, इस पर किसी तरह जोड़ गांठ कर 15,000 इकट्ठे किए गए। मगर हद तो तब हो गई जब करीब 10 से 15 हजार रुपए कम होने पर डॉक्टर ने मरीज को ऑपरेशन थिएटर से ही बाहर कर दिया। मैं सदर हॉस्पिटल में आया हूँ, ऑपरेशन कराना था। किस चीज का? पैर का टूट गया पैर। क्या हुआ? कुछ झगड़ा में पैर टूट गया साहब। डॉक्टर साहब से बात हुआ था, यहाँ डॉक्टर साहब बोले थे आओ ऑपरेशन करेंगे। 25,000 रुपया मांगा है साहब, 15,000 जमा किए हैं हम, और बोलते हैं ऑपरेशन थिएटर पर ले गए और बोलते हैं कि 15,000 रुपया और दो तब ऑपरेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। निकाल दिए सर, हमारा 15,000 जमा जो किए थे वही बस किए हैं और हमको निकाल दिए, ऑपरेशन हमारा नहीं किए साहब। तो सरकारी अस्पताल में तो निःशुल्क होता है ना? हाँ सर, तो पता नहीं डॉक्टर साहब किस आवाज अपना आवाज को मंगाए, पैसा हम भिजवा दिए सर, फिर भी और 15,000 मांग रहे हैं। अब हमारे पास कुछ है नहीं सर कि हम क्या करें, हम सरकारी हॉस्पिटल समझ करके अपना हम जिला अस्पताल पर आए सर। क्या करते हैं आप? अब हम बस एक छोटी सी दुकान है, उस पर अपना जीवन में काटते हैं। कितने बच्चे हैं आप? चार बच्चे छोटे हैं सब, छोटे बच्चे हैं। तो मतलब टोटल अच्छा पैसा ये कहाँ मांगे थे डॉक्टर साहब? अपने आवास पर मंगाए थे घर, वहाँ तो हम भिजवाए थे अपने मैडम से। कितना पैसा दे दिए आप? 15,000 रुपया दे दिए सर। और कितना मांग रहे हैं? अभी 15,000 तक मांग रहे हैं। तो आप देने में असक्षम है? असक्षम है सर, हमारे पास कुछ नहीं बचा है कि तो क्या ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं? ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर से हमें बाहर निकाल दीजिए सर। ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल दिए? बाहर निकाल दिए सर। पैसे के लिए हुआ है इनको, हमारा पति का फ्रैक्चर हो गया है तो हम सदर हॉस्पिटल में लाए हैं। कब से एडमिट है? काले एडमिट किए थे। अच्छा। हम बात किए थे डॉक्टर साहब से तो बोल रहे हैं कि शुक्रवार के लाओगे, शनिचर को ऑपरेशन पर चढ़ा देंगे। शाम को हमको पैसा 15,000 जमा करवा दिए। कहाँ पे? वो रूम पर। अब बोल रहे हैं कि 10,000 और दोगी तब हम रोड मंगाएंगे, हम ऑपरेशन पर चढ़ाएंगे, ले जाके निकाल दिए बाहर। और कहाँ पैसा मांग देने के लिए कहा जा रहा है? ऑफिस में बैठते हैं ना, वहीं पैसा ले लिए। आवास पे। अच्छा, तो हॉस्पिटल में तो निःशुल्क इलाज होता है? हाँ सर, तो ये नहीं कर पाएंगे, बोल रहे हैं कि हम नहीं कर पाएंगे। आज ऑपरेशन थिएटर में गए थे आपके मरीज? हाँ गए थे, हमको वहाँ डॉक्टर साहब बुलाए थे कि जाके बुला लिया उसको घर वाली को, तो हम गए थे तो बोल रहे हैं कि अब ले जाइए, हम नहीं कर पाएंगे इतना में। हम बोले कि सर अब हमारा जुगाड़ नहीं है, अब जो हम कर्जा गुलाम करके हमें इतना जुगाड़ कर दिए, अब हमारे पास जुगाड़ नहीं है कि हम करेंगे। तो ऑपरेशन थिएटर से निकाल दिया। बोल रहे कि सोमवार को होगा, पैसा जुगाड़ करके लाओगे तभी अब होगा, अब नहीं होगा। वहीं इस मामले में जब हमने ऑर्थोपेडिक सर्जन संतोष चौधरी से बात की तो वो अपने बचाव में दूसरी ही कहानी सुनाने लगे। देखिए, हमारे यहाँ जो भी मरीज आते हैं अगर उसमें कोई इम्प्लांट पड़ता है तो इम्प्लांट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलता है, हम लोग लिख करके दे देते हैं मरीज को और वो अपना स्टॉकिस्ट से जाके खरीद के ले आता है, हम अपना ऑपरेशन उनका करते हैं। अब रह गई बात कि उनको कितना पैसा किसने बताया, तो वो दुकान वाले अपना रेट है उनका, अपना इम्प्लांट का जितना जिस क्वालिटी का होता है उस तरीके का पैसा होता है। तो किसी के माध्यम से हो सकता है ये उस दुकान तक गई हूँ, उसने पैसा लिया हो, उसने जमा किया हो। हमको इम्प्लांट सुबह मॉर्निंग में, हम ओटी में गए तो हमारा इम्प्लांट मिला ही नहीं था, पका नहीं था, तो इसलिए हमने कहा कि आज रुक जाओ। और चूंकि गरीब आदमी है इसकी मदद भी करना चाहता था मैं कि किसी तरह उससे बात करेंगे दुकानदार से, स्टॉकिस्ट से, कि आप कम से कम में इसका काम कर दीजिए। और मैंने ये कहा कि मैं मंडे को इनका ऑपरेशन करूँगा, आज भर रुक दो, क्योंकि सामान तैयार ही नहीं था।
तो ये वजह 24,000 रुपए की जो इनसे डिमांड की गई, जिसमें 15,000 रुपए आपकी आवाज़ पे किसी सोनू नाम के व्यक्ति को वापस 10,000 रुपए उनको देना था, अभी जो है ऑपरेशन थिएटर से उनको निकाल दिया गया। तो ये इम्प्लांट किस तरीके का था और उसकी कीमत, आप चूंकि डॉक्टर हैं तो आपको लगभग तो पता होगा कि हाँ कितना जो है क्या? लगभग अंदाज से हमको लगता है कि 20,000 से 25,000 के बीच में पड़ता है वो। अच्छा, साइज के हिसाब से होता है। जिस साइज का इम्प्लांट था, रेट्रोग्रेड नेलिंग करनी थी इनको, सुप्राकंडाइनर नेलिंग बोलते हैं उसको। तो अभी क्या करेंगे अभी? अब तो चूंकि वो कराना चाहे तो हम अभी भी करेंगे उसको, हमको सामान चाहिए, हमको सामान मिलेगा, हम करेंगे। अच्छा, और अगर उनके पास सामान नहीं है, अगर वो क्षमता नहीं रखते हैं तो मैं सीएमएस से बात करूंगा, किसी तरह से उसकी मदद की जाए। इसके अलावा जिला अस्पताल के प्रभारी सीएमएस भी पहले तो फ्री इलाज की बात करते नजर आए, मगर जब उन्हें इस केस के बारे में बताया गया तो वो भी बगले झांकने लगे। अच्छा सर, जो मरीज आते हैं जिनका प्लास्टर होना है या फ्रैक्चर है, ऑपरेशन होना है, तो उनका क्या मतलब उनको कितनी फीस देनी पड़ती है ऑपरेशन के लिए? फ्रैक्चर के केसेस में जो है कि सरकारी फीस है 260 रुपये देना पड़ता है। और ऑपरेशन में मेजर माइनर होता है, कितना उसका फीस होता है? 299 होता है, 267 होता है। अच्छा, और 67 रुपये। अच्छा, अभी जो आपका नया हॉस्पिटल भवन है उसमें महिला हड्डी वार्ड में एक पेशेंट है जिसका पैर फ्रैक्चर है और उसका आज ऑपरेशन होना था। उसका कहना है कि जो चिकित्सक हैं उन्होंने आज का डेट दिया था ऑपरेशन का, कल वो एडमिट हुआ है और जिला अस्पताल में, और 15,000 रुपये उससे वसूल लिया गया है, 10,000 रुपये उससे और वसूलने की कोशिश की जा रही है। ऑपरेशन थिएटर में उसको ले जाया गया ऑपरेशन के लिए और फिर इसलिए ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि उसने 10,000 रुपये और नहीं दिए थे। यानी जब तक वो 25,000 रुपये नहीं देगा तब तक उसका ऑपरेशन जिला अस्पताल के में नहीं होगा। अच्छा ठीक है, जो डॉक्टर देख रहे हैं मैं उनसे बात करता हूँ, क्या मामला है? नहीं मतलब एक मरीज का दर्द आप समझिए कि एक गरीब आदमी जो कि एडमिट है और ऑपरेशन थिएटर में से कैसे निकाला जा सकता है उसको। ठीक है, जो डॉक्टर देख रहे हैं उसके बारे में पता करता हूँ। सर ऐसा कुछ है क्या सरकारी अस्पताल में कि ऑपरेशन के लिए 25-30,000 रुपए लिए जाते हैं, जिस तरह का आरोप है मरीज? अब इसके बारे में सीएमएस साहब बताएंगे डिटेल। तो वो मरीज क्या ऐसे तड़पता रहेगा? नहीं नहीं, उसका होगा इलाज, होगा। कैसे होगा? आज तो ऑपरेशन होना था उसका, ऑपरेशन थिएटर में ले जाके प्लास्टर लगा के और फिर उसको निकाल दिया गया ऑपरेशन थिएटर से बाहर कि जब तक तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा तब तक तुम्हारा ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक है, जो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं उनसे बात करूंगा, क्या रीजन है, देखा होगा। अब इतने सारे बयानों के बाद आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि एक आम आदमी के लिए सरकारी अस्पताल में इलाज कराना कितना कठिन है। तमाम दावे तो कर दिए जाते हैं मुफ्त और बेहतर इलाज के, लेकिन दर्द उनसे पूछिए जो इस इलाज के अभाव में तड़प रहे हैं। NBT ऑनलाइन के लिए बलिया से नरेंद्र मिश्र की रिपोर्ट।